डेबल्ड uh, uh, थोड़ी सी उनमें डिसेबिलिटी होती है या माजूरी होती है उनको डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कहते हैं यानी वो uh, थोड़े से फ़र्क हैं आम लोगों से कॉलिंग सम वन एक्चुअली साउंड वेरी नेगेटिव एंड डिसक्रेजिंग जब हम किसी को डिसेबल्ड कहते हैं तो वो नेगेटिव और डिसक्रेजिंग अगले की हिम्मत को पस्त कर देता है बट गिविंग इट अस्पेक्टिव रिस्पेक्टफुल फॉर्म डिफरेंटली एबल साउंड एंड द वेरी वर्ड्स री नोट असन इज एबल टू डू थिंग बट डिफरेंटली आर इन आर हार ओन स्पेशल वे जब हम किसी को डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं तो हम उसे इज्जत देते हैं और यह पॉजिटिव मुस्बत सोच uh, रखता है और इससे पता चलता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है वो अपने से स्पेशल वे से अपनी चीजें करते हैं हु आर डिफरेंटली डिफरेंटली एबल्ड एबल्ड पर्सन लोग कौन होते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द पर्सन विद डिसिटी एक्ट नाइनटीन नाइनटी फाइव इट मीन ब्लाइंडनेस जिनकी uh, जो uh, आंखें नहीं होती लो लोवियन जिनको कम नजर आता है लेप्रेसी क्योर्ड लेप्रेसी एक बीमारी होती है जो उस जो बंदे की डिसफिगरमेंट कर देती है यानी अजाब की शक्ल तब्दील कर देती है उसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट जिनको कम सुनाई देता है लोको मोटर डिसबिलिटी जिनको चल चलने फिरने में मुश्किल होती है मेंटल रिटार्डेशन जिनकी जहनी ग्रोथ नहीं होती और मेंटल एलनेस जो किसी दिमाग ही बीमारी में मुबतला होते हैं इन सब लोगों को डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कहा जाता है डिसबिलिटी अफेक्ट ह्यूमन बींग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड दर्ल्डी या माजूरी जो है वो इंसानों को पूरी दुनिया में ए, मुतासर करती है नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कम्प्लीटली सेफ फ्राम डिसबिलिटी दुनिया का कोई हिस्सा भी जो है वो मुकम्मल तौर पर डिसबिलिटी या माजूरी से पाक नहीं है सिमिलरली वी फाइंड अचीवर्स विद डिसबिलिटी इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने डिसबिलिटी के साथ बहुत सी बहुत कुछ हासिल किया उन लोगों की जिंदगी के बारे में जानते हैं सबसे पहला बंदा है स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग की जो नेशनली है वो ब्रिटिश है स्टीफन हॉकिंग जो है वो 1942 में उसकी बर्थ हुई और ही वाज डाइड ऑन 2018 थाउजेंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन ये दुनिया का बहुत मशहूर साइंसदान है प्रोफेसर हॉकिंग वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर माउंटेड विद अ कंप्यूटर दैट यूज टू स्पीक फॉर हिम आप देख रहे हैं कि ये एक स्पेशल कुर्सी उसके लिए बनाई गई थी जिसके आगे कंप्यूटर रखा होता था और वो लोगों से अपने कंप्यूटर के जरिए बात करता था ही एक बीमारी थी उसकी वजह से डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग बोल नहीं सकता था प्रोफेसर हॉकिंग वॉज एन एमिनेंट थोरेटिकल फिजिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स ये थोरेटिकल फिजिस था जिसने हमारी कायन कैसे काम करती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इलम दुनिया को दिया फिर थी हेलन कैलर इसकी नेशनैलिटी अमेरिकन है हेलन कैलर वॉज बॉर्न इन एटीन 80 and died on 1968 probably the best known icon of persons with disability ye va bahut apni disability ke sath ek heera hai she became deaf, deaf and blind yani ke behri भी ho gayi aur aankhon se andhi bhi ho gayi at the age of 19 months due to an unknown illness kisi गैरमूली बीमारी की वजह से हेलन टू एक्सप्रेस हर सेल्फ बाई एन सेल्वियन हर टीचर हर लाइफ लॉन्ग कंपेनियन हेलन को आ, अपने आप को एक्सप्रेस करना उसकी टीचर ने सिखाया जो कि उसके साथ सारी जिंदगी उसकी साथी रही हेलेन कैलर वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट ग्रेजुएट विद डेफ द वर्ल्ड वो पहली खातून थी जो के बहरी और अंधी होने के बावजूद इसने ग्रेजुएशन की फिर है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट अमेरिकन फ्रैंकलिन डी रोज वेलट पॉपुलज एफ डी आर वाजा थर्टी सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का प्रेजिडेंट था Uh, in 1921 पोलियो ये की वजह से इसकी टांग नाकारा हो गई थी निक वोजेक नेशनलिटी ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन आप देख रहे हैं तस्वीर में कि इसकी ना टांगे हैं ना बाजू हैं निक वाज बोर्न ऑन 4 डिसम्बर 1982 इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया

फाउंडर है एटीट्यूड इज के आपका जो बिहेवियर है वो ही आपको बुलंदियों अमेरिकन नेशनैलिटी है पीटर वाज बोर्न ऑन 1969 11 जून इन यूनाइटेड स्टेट्स वेंट टू बिकम अ टीवी एंड मूवी एक्टर इन हॉलीवुड और गेम्स ऑफ थ्रोन इज अ फेमस टेलीविजन सीरीज जिसमें इसने बहुत अहम रोल अदा किया देन लुई ब्रेल फ्रेंच नेशनलिटी लुई ब्रेल इन्वेंटेड रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम फॉर द विजुअली इम्पेयर पीपल इसने uh, ये खुद भी जो है ब्लाइंड था और इसने ब्लाइंड uh, लोगों के लिए जो है एक राइटिंग एंड रीडिंग सिस्टम बनाया जो ब्रेल सिस्टम कहलाता है ब्रेल लैंग्वेज दिस टेक्टाइल सिस्टम इज नोन आफ्टर हिम एज ब्रेल लैंग्वेज हाथों से लोग लिखते और पढ़ते हैं इसको ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं देन टैनी ग्रे थॉम्पसन इज बोर्न विद स्पाइना बाइफिडाइड इन अ व्हील सिंस बर्थ ये व्हील uh, पे है जब से पैदा हुई है Tanny Gray is a Welsh former wheelchair racer. Uh, she is considered to be one of the best athlete in the UK. ये one of the best athlete है in United Kingdom or Britain. अब ये कुछ symbol हैं hard for hearing uh, के लिए जहाँ facility हो वहाँ पे ये symbol इस्तेमाल visually impaired के लिए ये symbol इस्तेमाल और ramped access के लिए ये symbol इस्तेमाल होता है ramped कहते हैं जिससे व्हील चेयर आसानी से चढ़ सके ये जैसे आप देख रहे हैं राइट साइड पे हाफ स्टेयर्स हैं और हाफ रैम्प हैं क्योंकि स्टेयर्स पे व्हील चेयर नहीं चढ़ सकती और एक्सेसिबल टॉयलेट डिफरेंटली एबल पीपल के लिए ये साइन सिंबल होता है अब क्वेश्चन है मैच द सिंबल ये बुक में आ, सिंबल्स हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इनमें से आपने सिंबल्स uh, को आपस में मैच करना है uh, उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ तो अब आप तो आपको बिल्कुल आसानी होगी फैसिलिटीज फॉर द हार्ड ऑफ हियरिंग जहां पे ईयर का सिंबल बना हुआ है फैसिलिटीज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड आई के साथ रैम्प एक्सेस जो है लोअर राइट और एक्सेसिबल टॉयलेट फैसिलिटीज अपर राइट माई डियर स्टूडेंट सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड जो कामयाब लोग होते हैं उन्हें कोई मुआवजा नहीं होता या उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलता दे जस्ट वर्क हार्ड वो सिर्फ मेहनत करते हैं देन सक्सीड ऑन परपज और देन तब वो कामयाब होते हैं आज अगर आप मेहनत करेंगे तो कल आप भी कामयाब होंगे तो रोज का काम रोज करने की आदत डालें रोज कम से कम दो घंटे पढ़ें बैठ के उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें